वेलकम बैक ब्लेडर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी वजह से मैं भी हमेशा की तरह बढ़िया हूं। सो टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू मेक एन अटैक डिफेंस हाइब्रिड कॉम्बो यूजिंग ऑल दिस पार्ट्स। सो लेट्स बिगिन। सो ब्लेडर्स, फॉर मेकिंग दिस कॉम्बो वी आर गोइंग टू यूज Longinus Guttingo chip, Gen layer bit, Zoi layer base, Ford Blitz Forge disc, and Jolt string driver. I know, guys, I made some silly mistake in my past regarding to competitive knowledge or Beyblade competitive combos. But guys, मैं आपसे अब इस वाले combo को लेके मैंने काफी research करी है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। और ये वाली जो सीरीज़ है ये मैंने इसलिए स्टार्ट करी है कॉम्पिटिटिव कॉम्बोज की, जिससे भाई हमारे आपके अंदर भी नॉलेज है कि कॉम्पिटिटिव कॉम्बोज किस तरीके से बनाए जा सकते हैं और लॉन्चिंग एंगल किस तरीके का होना चाहिए जब हम बेब्लेड को लॉन्च करते हैं। तो इन सीरीज़ में हम इसी चीज़ों से रिलेटेड बात करेंगे। तो फटाफट से अपने टॉपिक पर आते हैं। तो जो भाई ये लॉन्गिनस फेस अपनी गटिंगो चिप है, इसको लेने का रीज़न ये है भाई, क्योंकि इसके जो दो स्ट्रॉन्ग टीथ हैं ये का एक तो बर्स रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं, अपने बे को इजीली बर्स नहीं होने देते, और इसका वेट भी काफ़ी अच्छा खासा है जो कि बे को एक ओवरऑल ग्राउंड होल्ड करने में हेल्प करता है। और जो लेयर वेट है जैन, ये मैंने मैट्सू के बजाय इसलिए लिया है क्योंकि जो हमारा मैट्सू वेट है वो लॉन्गनेस की सिर्फ दो जो ड्रैगन हेड है मेटल हेड उनकी तरफ वेस्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे ये स्मैश अटैक प्रोवाइड करता है काफ़ी अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा कि डिस्क अच्छी नहीं, लेकिन हम बना रहे एक अटैक डिफेंस कॉम्बो कॉम्पिटिटिव के हिसाब से। बस अटैक्स, अगर आप भाई काफ़ी प्रो हो तभी अटैक्स आपके काम आ सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो तब आपको भाई अपने बे के लिए एक बैकअप के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है, एक हाइब्रिड उसमें होना ही चाहिए, जैसे वो अटैक और डिफेंस का कॉम्बिनेशन हो उसमें तो चलता है। तो ज़्यादा ज्ञान नहीं देते अपने इस पर आते वेट पे। तो ये इसके गाइस ओवरऑल इसके चारों कॉर्नर्स के ऊपर इक्वली वेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे इसका जो आउटर बैलेंस है वो काफ़ी अच्छा बनता है और ये बे को एक बैलेंस इस बैलेंस तरीके से स्पिन करने में हेल्प करती है ये वेट, और एक तरह से बर्स बैरिकेड का भी काम करती है जो कि जुई लॉन्गिनस में नहीं है हमारे। फिर उसके बाद आते हैं अपनी ब्लिट्स डिस्क पे। ब्लिट्स डिस्क पे आने से पहले मैं ड्रेक के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। तो भाई एक तरह से जो ये स्टॉक कॉम्बो में ड्रेक डिस्क आई है, मैं ये कहूँगा एक तरह से मिमिक है भाई, इसका एक्चुअल में तो कोई काम है नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसके भाई ये प्लास्टिक है, ये ग्राउंड अपने स्टेडियम में स्क्रेप कर सकते हैं, जिससे बे खुद सेल्फ के हो सकता है। और दूसरा ये भाई इक्वली वेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, क्योंकि आप देख सकते हो कि इसके ब्लेड जिस तरह से ऊपर नीचे से हो रखे हैं ये बे को एक तरह से ढंग से स्पिन करने में हेल्प नहीं करता। और ब्लेड्स जिस मैंने इसलिए लिया है क्योंकि भाई एक तरह से ये एक अटैक टाइप कॉम्बोज डिफेंस और स्टेमिना में काफ़ी अच्छे से यूज होने वाली डिस्क है, और एक अटैक टाइप डिस्क है जिसके अंदर तीन ब्लेड्स निकले हुए हैं। जब ये आपके बे में आप लगाते हो तो डिफेंसिव होने के साथ साथ ये काफ़ी अच्छा काउंटर स्मैश अटैक भी प्रोवाइड कराती है, जो सामने वाले बे को केओ या बर्स भी कर सकता है। और फिर आते हैं अपनी जॉट टिप पे। इसमें भाई मैं काफ़ी कंफ्यूज था अपनी स्पायरल को लेके, स्पायरल डिस्क को, और तो भाई स्पायरल डिस्क और जॉल्ट में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है आप जैसे कि देख सकते हो, लेकिन मैंने जॉल्ट टिप इसलिए ली क्योंकि इससे भाई अटैक्स जो हैं काफ़ी अच्छे हैं इसके, और जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है उससे ये बैंकिंग पैटर्न बनाने में काफ़ी अच्छा रहता है, जो जॉल्ट टिप की मदद से कह रहा हूँ। लेकिन इसका भाई एक डिसएडवांटेज ये भी है कि इससे इसका स्टेमिना बहुत जल्दी ख़त्म होता है। ये मैं मानता हूँ कि जब ये अटैक प्रोवाइड करेगा, जब बैंकिंग पैटर्न बना के, तो सामने वाले बे को एक हिट में, जस्ट एक हिट में ये बर्स भी कर सकता है, केओ भी कर सकता है। लेकिन अगर अटैक नहीं हो तो इसका स्टेमिना लॉस होने का चांसेस ज़्यादा रहे। तो मैं यही कहूँगा अगर आप बिगिनर हो तो आप स्पायरल डिस्क से भी काम चला सकते हो, क्योंकि इसका बैलेंस ओवरऑल स्टेमिना आपको काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करेगी। तो फटाफट से अपने कॉम्बो को बना लेते हैं और फिर इसकी कुछ बैटल्स वगैरह करके देखते हैं। तो मैं मिलता हूँ कॉम्बो बनाकर। तो देखिए ब्लेडर से दिखने में कुछ इस टाइप का दिख रहा है, और हाँ तो इसकी कुछ बेस के साथ बैटल करके देखते हैं, बॉर्डर बम्पर से करते हैं। 3, 2, 1 तो
जैसे कि मैंने कहा था गाइस, इतने बैंकिंग पैटर्न को काफी अच्छा होल्ड करते हुए ये सामने वाले बे को अपने अटैक से या तो नॉकआउट कर सकता है, बर्स्ट कर सकता है। तो और बेस के साथ भी ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि ब्लेडर जो इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन है जेन वेट की वजह से ये इक्वली चारों ब्लेड्स की तरफ प्रोवाइड करता है, जिससे स्पिन एक स्टेबल फॉर्म में कर सकता है, जो कि सामने वाले बे को अगर अटैक टाइप भी हो काफ़ी, अगर सामने वाले बे ने काफ़ी हैवी अटैक भी करा तो ये उसको होल्ड करते हुए काफ़ी अच्छा काउंटर अटैक भी कर सकता है। और हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गया, ए ब्लिट्स डिस्क के अलावा इससे भी अच्छी डिस्क अगर आपको यूज़ करनी हो और भी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, तो आप स्टिंग डिस्क का यूज़ कर सकते हो। गाइस मैंने सही बता रहा हूँ, जब ये यूज़ करी थी परफॉर्मेंस इसकी ओवरऑल हर प्रोस्पेक्टिव में बेस्ट थी लिटरली। और ये तो फेक वाली थे, तो मेरी डिस्क वो प्रैक्टिस के टाइम पे जब मैं इसको टेस्ट कर रहा था कॉम्बो को, तभी ये टूट गई, तो मेरे को ब्लिट्स डिस्क लगानी पड़ी। वैसे ब्लिट्स डिस्क की परफॉर्मेंस अच्छी है, तो करते हैं अनदर बेस के साथ। तो 3, 2, 1 दैट वर्क। तो ये वाला राउंड जाता है पहला स्पिगन रैकनियम को। अनदर राउंड 3, 2, 1 लेट्स गो। तो अनदर क्यों गाइस, एक भाई लॉन्चिंग टेक्निक के ऊपर होता है सब। अगर हम बेग अगर जितना भी अच्छा हो, अगर हमारे को उसको लॉन्च ठीक से नहीं कर पा रहे, सही एंगल में लॉन्च नहीं कर पा रहे, तो बे चाह के भी नहीं जीत सकता। तो इस बारे में बताऊंगा भाई आपको लॉन्चिंग टेक्निक्स के ऊपर, इसकी सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में आएगा। एक और पॉइंट करना पड़ेगा, मतलब एक और राउंड करना पड़ेगा, मैं भाई कई बार कुछ ही बोल जाता हूँ, तो उसके लिए सॉरी। सो 3, 2, 1 लेट्स ग्रिप। तो अनदर केओ गाइस, और यहाँ पे केओ के साथ साथ बर्स्ट भी कर दिया। तो अब इसको भाई मैंने जैसे आपको कहा था कि अगर आप बिगिनर हो तो आप इसमें स्पाइरल डिस्क का यूज़ करना तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि कई बार जब अटैक्स काम नहीं आते तो अपने स्टेमिना की वजह से हार सकता है सामने वाले बे के, और कॉम्पिटिशन में तो भाई हमारे को बस एक दो से ज़्यादा चांस नहीं मिलते। तो आपको मैं एक बार स्पाइरल डिस्क से भी करके दिखा देता हूँ, इस डिस्क कह रहा हूँ मैं, सॉरी ड्राइवर, स्पाइरल ड्राइवर। तो करते हैं और कुछ बेस के साथ ड्रेन फेफनियर के साथ करके देखते हैं। 3, 2, 1 लेट इट रिप। तो यहाँ पे ड्रेन फेफनियर को भी नॉकआउट कर दिया, लेकिन ये मुझे लगा नहीं कि ठीक से हुआ था लॉन्च, वो तरह से अपने मोमेंटम में भी नहीं आया था ड्रेन फेफनियर। तो दोबारा करेंगे 3, 2, 1 लेट इट रिप। और गाइस काफी इनक्रेडिबल मूवमेंट था ये, लेकिन काफी हैवी काउंटर अटैक्स की वजह से ड्रेन फेफनियर हार गया ये वाला राउंड। तो कुछ हैवी बेस के साथ भी करके देख लेते हैं जीटी सीरीज के अपने, कहाँ गया अपना इंपीरियल ड्रैगन। तो गाइस मैं इंपीरियल ड्रैगन को ढूंढ के आता हूँ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो ब्लेडर्स इंपीरियल ड्रैगन तो मिला नहीं, तो मैं साइक्लोन रैग्नारोक ले आऊं जो कि डीबी पे है। तो करते हैं 3, 2, 1 लेट इट रिप। तो मैंने भाई इसमें स्पाइरल ड्राइवर लगा दिया है, तो अब देखते हैं किस टाइप की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है हमें। इतना तो पता है कि स्टेमिना थोड़ा सा पिछली बार से ज्यादा रहेगा, क्योंकि जॉल टिप में फ्रिक्शन की वजह से स्टेमिना लॉस काफी जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे स्लीप आउट के थ्रू उसको भी हरा दिया भाई अपने ये रैग्नारोक को, साइक्लोन रैग्नारोक को। अनदर राउंड करते हैं, एक और राउंड। तो 3, 2, 1 लेट इट रिप।
भाई एक हिट में काउंटर के थ्रू वो अपने आप ही नॉक आउट हो गया। एक बार और करते हैं। तो 3, 2, 1 लेट इट रिप। तो बैटल काफी इंटेंस हुई लेकिन ये वाला राउंड थोड़ा सा शायद साइक्लोन रैग्नारोक जीता है। तो कुछ और बेस के साथ करके देखते हैं तो फटाफट से वीडियो को एंड करते हैं। तो 3, 2, 1 गॉड वेंट्री के साथ करते हैं। तो यहाँ पे गाइस गॉड बेल ट्रिक को कर दिया गया बर्स्ट फिनिश। तो ऑलरेडी यहाँ पे इसको 2 पॉइंट मिल चुके हैं। तो अब इस वीडियो को करते हैं एंड। तो बस गाइस ये था हमारा जुई लॉन्गिनेस ब्लेड्स स्पाइरल। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस और लाइक भी कर देना, थंबनेल भी दबा देना। अरे तू मेरी लाइन वैसे ही बोलते रही हलवे किंग के। अरे भाई आज क्यों आ गया? अब मेरे भूले सब्सक्राइबर्स को कौन बताए कि जिस तरीके से बोल रहे इसको मैंने सिखाए। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।